हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी डी एस एजुकेशन अकेडमी। सो इस वीडियो में हम दोस्तों द राइज ऑफ हिटलर के स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। क्लास नाइन्थ है आपका, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर थर्ड है। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री में दोस्तों आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यहाँ से दो या तीन नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगर हमारी वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ से लाइक करिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पहली बार है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल मेनली SST को डेडिकेटेड है, तो यहाँ पे केवल SST एकेडमिक्स, इसके अलावा SST किसी भी कॉम्पिटेटिव लेवल्स के लिए GS का पोर्शन कवर करवाया जाता है। तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए, मंटल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इसके अलावा मैंने क्लास नाइन्थ का दोस्तों चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है आपका रशियन रेवोल्यूशन, वो ऑलरेडी कवर करवा दिया है। इसके अलावा मैप पोर्शन भी कवर करवा दिया। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को ना देखा हो, आप प्ले लिस्ट में जाके क्लास नाइन टर्म टू के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं और अपने मोस्टली टॉपिक को कवर करेंगे। लास्ट पार्ट में दोस्तों मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया था राइज ऑफ हिटलर के, जहाँ पर हमने देखा था बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक क्या था, अलाइड पावर सेंट्रल पावर क्या थी दोस्तों, ये सारा कवर करवा दिया था। इसके साथ साथ व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ जर्मनी, हमने ये कवर कर लिया था दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि नाजिम्स के उदय का कारण क्या था, रीज़न ऑफ ओरिजन। ठीक है फ्रेंड, तो मेनली जो रीज़न ऑफ ओरिजन है दोस्तों, इसमें सबसे पहला आपका है द ट्रीटी ऑफ वर्सैलेस, सेकेंड वन इज़ इकोनॉमिक क्राइसिस, थर्ड वन इज़ हाइपर इन्फ्लेशन, एंड द फोर्थ वन इज़ डायनेमिक पर्सनैलिटी ऑफ हिटलर। सो दीज आर द मेन रीजन्स ऑफ ओरिजन ऑफ नाजिम, यानी हिटलर के उदय का मुख्य कारण क्या है फ्रेंड। तो ये चार रीज़न है, तो अब वन बाई वन हम इन चारों रीज़न को पढ़ेंगे। ये चारों ही दो टॉपिक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। और फिर भी कोई डाउट रहता है, अगर समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं फ्रेंड। नाउ सबसे पहला रीज़न लेते हैं ट्रीटी ऑफ वर्सैलेस। सो ट्रीटी ऑफ वर्सैलेस क्या है फ्रेंड, ऑन 28 जून 1919 ट्रीटी ऑफ वर्सैलेस, यानी वर्सैलेस पीस ट्रीटी डन बिटवीन द एलाइज एंड जर्मनीज। तो 28 जून 1919 को दोस्तों वर्सैलेस की पीस ट्रीटी होती है, किसके बीच में, अलायंस कंट्रीज़ के बीच में, इसके अलावा जर्मनी के बीच में, जिसमें सबसे ज़्यादा जो ट्रीटी होती है दोस्तों, ज़्यादा पेनल्टी किस पे लगाई जाती है, तो जर्मनी पे लगाई जाती है। जैसा कि देखो, सेकंड है आपका 13% टेरिटरी ऑफ जर्मनी एंड 75% आयरन एंड 26% ऑफ कोल टेकन बाय फ्रांस। तो जर्मनी का 13% आपका टेरिटरी, जर्मनी की टेरिटरी और 75% आयरन इंडस्ट्रीज, इसके अलावा 26% जो माइनिंग है कोल का, वो कौन ले लेता है दोस्तों, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया। तो इन कंट्रीज मिलके इनका ये सारा एरिया कवर कर लेता है। इसके अलावा जर्मनी वॉज डीमिलिटराइज, जर्मनी को डीमिलिटराइज किया कर दिया था, यानी अब वहाँ पर कोई मिलिट्री नहीं होगी या फिर मिलिट्री ग्रेड नहीं होगा। थर्ड वन इज़ अलाइड आर्मीज ऑक्यूपाइड रिसोर्सेज ऑफ रिच राइनलैंड। इसके अलावा दोस्तों जो अलाइज आर्मीज़ हैं, वो उनके जो मेन रिसोर्सेज हैं रिच आइसलैंड राइनलैंड, उस पर क्या कर लेती है, कब्जा कर लेती है। इसके अलावा फोर्थ है आपका जर्मनी पेड 6 मिलियन यूरोज एज द कम्पनसेशन टू अलाइड कंट्रीज। इसके अलावा जर्मनी पे 6 बिलियन यूरोज का कम्पनसेशन लगाया जाता है, जो कि अलाइज पावर को पेड करना होता है जर्मनी को। नाउ फिफ्थ है आपका नवंबर क्रिमिनल। सो नवंबर क्रिमिनल बेसिकली क्या है दोस्तों, ये वन मार्क के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा अगर आपका सेकेंड टर्म अगर ऑब्जेक्टिव होता है, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बट टू नंबर्स में भी यहाँ से पूछे जाते हैं दोस्तों, बट डी मीन बाय नवंबर क्रिमिनल। सो नवंबर क्रिमिनल बेसिकली किसे कहा जाता है दोस्तों, जो वहाँ के पीस ट्रीटी पे साइन करते हैं, यानी वाइमर रिपब्लिक जो होती है, जो साइन करता है, उसे क्या कहा जाता है, नवंबर क्रिमिनल। क्लियर हो गया फ्रेंड। सो दिस वॉज द फर्स्ट रीजन ऑफ द ओरिजन ऑफ नाजिज्म। तो ये पहला कारण था दोस्तों नाजीज्म के, यानी हिटलर के उदय का, ट्रीटी ऑफ वर्सैलेस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं, तो जो मैंने 5 पॉइंट्स बताया, आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। नाउ सेकंड रीजन देखते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस। कह रहा ऑल द रिसोर्सेज आर्मीज सेप एंड द कोल माइंस वर स्नैच्ड एंड द इकोनॉमिक कंडीशन वॉज वॉर्स, यानी सारी वहाँ की रिसोर्सेज आर्मीज सेप सारी चीज़ें छीन ली जाती है, और वहाँ की जो जर्मनी की कंडीशन होती है इकोनॉमिक, क्या हो जाती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा खराब। ऑल द अबव प्रॉब्लम्स वॉज नॉट एबल टू हैंडल बाय द वाइमर रिपब्लिक्स, और वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वाइमर रिपब्लिक्स आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उनसे ये कंडीशन संभल नहीं पाती है। सो दिस वॉज द सेकेंड रीजन ऑफ ओरिजन ऑफ नाजिज्म। आई होप दोस्तों आपको स्टोरी क्लियर होगी हो रही होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, देन प्लीज़ दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। इसके अलावा इससे ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर लीजिएगा। थर्ड रीज़न है हाइपर इन्फ्लेशन, यानी महामंदी। सो ये कब आया था, 1923 में, जिसके मेन कारण क्या थे, रीपेइंग वो और लोन इन गोल्ड, सो नो गोल्ड लेफ्ट। यानी दोस्तों अब क्या हुआ था, जर्मनी को जो पैसे देने थे 6 मिलियन यूरोज़ को,
उसको पे करने के लिए उसके पैसे नहीं थे, तो वो गोल्ड के जरिए क्या लोन लेना स्टार्ट कर दिया, तो उसका तो कोई गोल्ड नहीं था। फ्रांस ऑक्यूपाइड रूहर जो मेन इंडस्ट्रियल एरिया है उस पर फ्रांस से कब्जा कर लेता है। जर्मनी ओवर प्रिंटेड देयर पेपर करेंसीज, और जर्मनी क्या करता है ओवर प्रिंट कर देता है करेंसीज की, उससे क्या होती है वैल्यूज़ जो होती है यूरोज़ की वो कम हो जाती है। लाइक अगर वैल्यू ऑफ मार्क की बात करें तो डिक्रीज कैसे होती है, पहले एक डॉलर 2400 मार्क के बराबर था, फिर धीरे धीरे चार डॉलर 35,000 के बराबर, फिर ऐसे ही एक डॉलर एक टाइम ऐसा आ गया जब 1 करोड़ के बराबर हो गया। आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग आई थी 96,000 समथिंग दिया होगा, बट मैंने यहाँ पे अप्रोक्स लिया फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। आप एग्जैक्ट डाटा भी वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा क्या होता, प्राइस ऑफ गुड्स बढ़ रहे थे, मार्केट धीरे धीरे डाउन जा रही थी। सो प्राइस ऑफ करेंसी विल डिक्रीज इफ एनीवन हैव टू बॉय अ ब्रेड सो दैट दे हैव टू टेक अ बैग फुल ऑफ मनी। अगर दोस्तों मतलब करेंसी की वैल्यू इतनी कम हो गई कि अगर मान लो आप एक पीस ऑफ ब्रेड भी खरीदना होता तो लोगों को एक बकेट यानी एक ट्रॉली पैसे भर के ले जाने पड़ रहे थे, तो इतनी ज़्यादा वहाँ की वैल्यूज कम हो गई थी करेंसी की। फोर्थ है अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा था धीरे धीरे, फिर क्या होता है वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी हुई, तो ऐसे में अमेरिका ने कहा कि हम क्या करेंगे आपकी हेल्प करेंगे। सो अमेरिका ट्राई टू हेल्प यू आउट ऑफ जर्मनी फ्रॉम द इकोनॉमिक क्राइसिस, बट अ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन केम्स इन 1929 एज अ रिजल्ट 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड ऑन 24th October। तो अब अमेरिका क्या कहता है, हार्ट बताता है कि हम आपकी हेल्प करेंगे इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर लाने में, बट वहाँ पे भी क्या होता है दोस्तों ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है, यानी जो शेयर होते हैं उसके 13 मिलियन शेयर्स वो क्या होते हैं दोस्तों रातों रात बिक जाते हैं। तो अमेरिका की जो इनकम फैक्ट्री होती है वो क्या होती है डाउन चली जाती है ग्रेट डिप्रेशन के कारण, और अब अमेरिका कहता है कि हम आपको और लोन नहीं दे पाएंगे, पैसे नहीं दे पाएंगे, सपोर्ट नहीं दे पाएंगे। तो उससे क्या होता है जर्मनी की सारी फैक्ट्री में ताला लग जाता है, क्योंकि वैसे उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे ही नहीं है। नाउ हम देखते हैं कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या है, सो व्हाट डू मीन बाय ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑन जर्मनी, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का जर्मनी पे क्या इफेक्ट हुआ। सो सबसे पहले इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या हुई दोस्तों, गोज डाउन, पीपल लॉस देयर जॉब्स एंड वर्कर वर्क फॉर द वेरी वेरी लो वेजेस, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज अराउंड 6 मिलियन, तो लोग अब जॉब खोने लग गए, लोग कम वेजेस में काम करना स्टार्ट कर दिया, अनएम्प्लॉयमेंट 6 मिलियन से ज़्यादा बढ़ गई, क्राइम्स विल भी इंक्रीज, क्राइम धीरे धीरे बढ़ रही थी, वैल्यू ऑफ देयर सेविंग विल भी डिक्रीज, सेविंग की वैल्यू क्या होती धीरे कम हो रही थी, मैनी बिजनेसिस गॉट शट डाउन, बहुत सारे बिजनेस शट डाउन हो गए, प्राइस ऑफ क्रॉप्स विल भी डिक्रीजेज। सो दीज ऑल वॉज द मेन रीजन्स ऑफ द ओरिजिन ऑफ नाजिम्स, ये सारे कारण थे दोस्तों आपके नाजिम्स के उदय होने का। सो ऐसे में क्या हुआ कि सो ऑल आर होपलेस, दे थॉट दैट नो वन टू कम एंड हेल्प यू आउट फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। तो अब हर जर्मनी का हर पर्सन क्या सोचने लगा कि अब हमें कोई नहीं बचा सकता, कोई भी इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकाल सकता, ठीक है। तो अब ऐसे में क्या होगा दोस्तों, किसकी एंट्री होगी फाइनली आपका हिटलर की। सो द थर्ड टॉपिक इज डायनेमिक पर्सनैलिटी ऑफ हिटलर। सो इस वीडियो इस पार्ट को दोस्तों हम टॉपिक को नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और में भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में विद द टॉपिक ऑफ डायनेमिक पर्सनैलिटी ऑफ हिटलर। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टम टू एग्जामिनेशन फ्रेंड।